और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अग्नि के बारे में। प्रत्येक दिशा का संबंध किसी न किसी तत्व से अवश्य होता है। अग्नि का संबंध दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण से है। अग्नि से संबंधित सभी चीजें हमें इसी दिशा में रखनी चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, आकाश, धरती, इनमें से एक अग्नि भी है। कहते हैं अग्नि इन 5 तत्वों में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अग्नि हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। सूर्य भी अग्नि है और इसी अग्नि से वो पूरा संसार रोशन होता है। अग्नि से जुड़े इतनी सारी बातें हमने इसलिए चर्चा की कि अग्नि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमें कभी भी अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्नि को देवताओं का स्थान दिया गया है। कई बार हम दिए, मोमबत्ती या माचिस की तीलियों को फूंक मारकर बुझाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी इस तरह अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए और पैरों के नीचे मसल कर तो माचिस की तीली को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। आप दूर से हाथ मारकर उसे बुझा सकते हैं। देखो, यहाँ 2 साइंटिफिक चीजें भी हैं। जब आप फूंक मारते हैं दिए में और सांस पूरी निकल गई, दिया बुझा, तो उसका तुरंत आप सांस खींचते हैं ना, तो उसका जो धुआं है वो आपके अंदर चला जाएगा। दैट्स प्योर कार्बन डाइऑक्साइड, इट मे इन्फेक्ट योर लंग्स। एक साइंटिफिक रीजन ये, इसलिए कहते हैं फूंक मार के दिया मत बुझाओ, फूंक मार के कुछ तीली मत बुझाओ, फूंक मार के बुझाने के लिए इसलिए मना करते हैं। पैर से मसलने का क्या है? मान लीजिए आपने पैर से मसला, अब तो चलो रबर सोल होने लगे। कोई आपका ऐसा इन्फ्लेमेबल सोल है या उसमें आग पूरी तरीके से नहीं बुझी और लगी रह गई, और आप चलते हुए किसी ऐसे सरफेस से गुजरे जहां पे आग थोड़ी छूट गई, तो इट मे क्रिएट हैवॉक। हर चीज के पीछे किसी चीज का सम्मान करने को कहना हम भारतीयों का भाव है, क्योंकि हम भारतीय हर एक का, सबका सम्मान करते हैं। कोई हमें इतना सा भी देता है तो हम इतना ढेर सा उसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि वी बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ थैंक्स, थैंकिंग अदर। हम दूसरे को धन्यवाद देने में बड़ा विश्वास रखते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पीपल का पेड़ हमें इतनी ऑक्सीजन देता है, हम उसको देवता मानते हैं। तो अगर कहा गया अग्नि का सम्मान करो, तो वायु का भी सम्मान करने को कहा गया है, आकाश का सम्मान करने को भी कहा गया, पृथ्वी का भी सम्मान करने को कहा गया। हमारे यहाँ हम लोग पहले उठते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं और कहते हैं पाद स्पर्शम क्षमस्वमे, हे विष्णु पत्नी, हे विष्णु की पत्नी, मैं अभी आपका पैर रखने जा रहा हूँ, मेरे पैर का स्पर्श मुझे क्षमा कर देना। हम सम्मान करते हैं सबका, तो वैसे ही हम अग्नि का भी सम्मान करते हैं। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा अग्नि के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।